नमस्कार, वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। बसपा प्रदेश महासचिव जयकर को किया पदमुक्त। एसटी कर्मियों में बढ़ रहा रोष, फिर से 10 कर्मचारियों का निलंबन, 7 को बर्खास्त किया। और हर दिन हो रही दुर्घटना, सड़क दुर्घटना में गई 4 लोगों की जान। और अब खबरें विस्तार से। बहुजन समाज पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश महासचिव नागराव जयकर को ठीक मनपा चुनाव के पहले पदमुक्त किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बसपा के राष्ट्रीय महासचिव व प्रदेश प्रभारी धर्मवीर सिंह अशोक व प्रभारी प्रमोद रैना ने शनिवार को नागपुर के नारी रोड स्थित बसपा कार्यालय में जयकर से भी कामकाज को लेकर सवाल किए, लेकिन जयकर के जवाबों से संतुष्ट नहीं होने पर प्रभारी सिंह ने बैठक में नागोराव जयकर को पदमुक्त करने की घोषणा कर दी। लोकसभा चुनाव 2019 के बाद पक्ष विरोधी कृत्यों में गतिविधियों में संलग्न होने का आरोप लगाकर तत्कालीन प्रदेश सचिव जयकर और तत्कालीन नागपुर लोकसभा चुनाव के बसपा उम्मीदवार मोहम्मद जमाल शेख को निलंबित किया गया था। उनके खिलाफ पार्टी विरोधी गतिविधि की शिकायत भी हुई। रैना ने महासचिव पद से जयकर को विधानसभा क्षेत्रों के पदाधिकारियों की बैठक ली, लेकिन बैठक में अनेक विधानसभा क्षेत्र के पदाधिकारी नदारद थे। सरकारी विलीनीकरण की मांग को लेकर एसटी कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। लग रहा है कि सरकार मांगे मान्य नहीं करना चाहती। वहीं दूसरी ओर कर्मचारी भी मांगे मान्य कराने पर अड़े हैं। नागपुर मंडल में 14वें दिन भी हड़ताल जारी रही। इससे यात्रियों की परेशानी दिन व दिन बढ़ती जा रही है। स्कूल कॉलेज जाने वाले ग्रामीण छात्रों की दिक्कतों की ओर ध्यान देने वाला कोई नहीं है। कर्मचारियों में रोष इस बात को लेकर भी देखने को मिल रहा है कि सरकार हर दिन निलंबन की कार्रवाई कर रही है। शनिवार को फिर से 10 कर्मियों को निलंबित किया गया, वहीं 7 कर्मियों की सेवा समाप्त कर दी गई। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार ही नहीं चाहती कि जल्द से जल्द समस्या का समाधान हो। वर्षों से एसटी कर्मचारियों को सरकारी सेवा में शामिल नहीं किया गया है। सरकार कमेटी बनाकर मामले का निपटारा करना चाहती है। यही वजह है कि आंदोलन दिन ब दिन तेज होता जा रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि जब निलंबन की कार्रवाई हो रही है तो फिर काम पर लौटने का औचित्य ही नहीं रह जाता। सरकार जिद पर अड़ी है, संगठन के साथ चर्चा करने की दिशा में पहल नहीं की जा रही है। इस बीच शनिवार को विभाग के 10 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया, जिसमें काटोल गणेशपेट डिपो के 5-5 कर्मचारी शामिल है। नागपुर मंडल में कुल निलंबित कर्मचारियों की संख्या 139 हो गई है। आज फिर 7 कर्मियों की सेवा समाप्त होने के साथ ही यह संख्या 57 पर पहुंच गई है। सभी कर्मचारियों को काम पर लौटने के लिए 24 घंटे का नोटिस दिया गया था। विभाग के नियंत्रक नीलेश बेलसरे ने बताया कि उसके बाद भी काम पर नहीं लौटने के कारण सेवा समाप्त करने की कार्रवाई की गई। तमाम तरह की उपाय योजना के बाद भी नागपुर शहर में दुर्घटनाओं में कोई कमी नहीं आई है। हर दिन कोई न कोई अपनी जान गंवा रहा है। कभी ट्रक की चपेट में आने से मौत होती है तो कभी गाड़ियों की आपसी टक्कर में कोई अपनी जान गंवा देता है। इसी बीच पिछले 24 घंटे के भीतर नागपुर शहर के अलग अलग इलाकों में हुई सड़क दुर्घटनाओं में 4 लोगों की मौत हो गई। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार पहली घटना धंतोली थाना क्षेत्र में हुई। मृतक हजारेवाड़ी वकीलपेट निवासी महेश उके बताया गया। महेश अपनी बाइक से काम पर जा रहा था। राजीव गांधीनगर में नागराज आश्रम के सामने बाइक के चालक ने महेश की गाड़ी को सामने से टक्कर मार दी। महेश बुरी तरह से जख्मी हो गया। उसे उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती किया गया। कुछ घंटे बाद ही महेश ने दम तोड़ दिया। दूसरी घटना गिट्टी खदान थाना क्षेत्र में हुई। मृतक कोहली कलमेश्वर निवासी श्रीराम चंद्रशेखर नागपुरे बताया गया। श्रीराम अपनी मोटरसाइकिल पर किसी काम से जा रहा था। ढाबा की अंबर कॉलोनी परिसर में बाइक के चालक ने श्रीराम की गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी। उसे उपचार के लिए मेडिकल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। अन्य दो घटनाएं कोराडी और हिंगना थाना क्षेत्र में हुई। सुरा देवी निवासी मनोहर मोतीराम दूध पचारे और उनके पड़ोसी चक्रधर भावराव खाड़े शनिवार की सुबह 7:35 के दौरान काम पर जा रहे थे। सुरा देवी
ग्राम पंचायत कार्यालय के पास ट्रक के चालक ने लापरवाही से वाहन चलाते हुए दोनों को जोरदार टक्कर मार दी। दोनों को उपचार के लिए अस्पताल रवाना किया गया, लेकिन डॉक्टर ने मनोहर को मृत घोषित कर दिया। चौथी घटना शुक्रवार देर रात वर्धा रोड पर हुई। ट्रक ने बाइक सवार पर दो युवकों को उड़ा दिया। उपचार मिलने से पहले ही एक युवक की मौत हो गई। मृतक शाहपुरा भंडारा निवासी हितेश सुधाकर खांडेकर बताया गया। राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज नागपुर विद्यापीठ द्वारा पूरक परीक्षाओं सहित अलग अलग सेमेस्टरों की परीक्षाओं की तारीख की घोषणा कर दी गई है। इसके साथ ही परीक्षाओं को लेकर पिछले दिनों से चल रहा संभ्रम दूर हो गया है। विद्यापीठ ने स्पष्ट कर दिया है कि पूरक परीक्षा ऑनलाइन या ऑफलाइन ली जाएगी। यह परीक्षाएं महाविद्यालय के अपने स्तर पर ली जाएगी। विद्यापीठ द्वारा परीक्षाओं की घोषणा और पद्धति के बारे में जानकारी नहीं करने से छात्रों में संभ्रम की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन शनिवार को परीक्षा मंडल की ली गई तत्काल बैठक में परीक्षा के बारे में निर्णय लिया गया। यह परीक्षाएं उन छात्रों के लिए होगी जिनके विषय रह गए थे। डिग्री पाठ्यक्रम के तहत दूसरे, चौथे, छठवें, आठवें व दसवें सेमेस्टर में अनुत्तीर्ण व बहिशाला छात्रों की प्रात्यक्षिक परीक्षा 25 नवंबर से 4 दिसंबर तक तथा लिखित परीक्षा महाविद्यालय स्तर पर 1 से 11 दिसंबर तक ली जाएगी। वहीं तीसरे, पांचवें, सातवें व नवें सेमेस्टर के नियमित अनुत्तीर्ण व पूर्व व बहिशाला छात्रों की प्रात्यक्षिक परीक्षा पूर्व की तरह ही महाविद्यालय स्तर पर होगी, जबकि लिखित परीक्षा विश्वविद्यालय स्तर पर 11 दिसंबर से 15 जनवरी तक ऑनलाइन पद्धति से टाइम टेबल के अनुसार ली जाएगी। स्नातक व स्नातकोत्तर के दूसरे व तीसरे वर्षीय पाठ्यक्रम के तीसरे व पांचवें सेमेस्टर की प्रात्यक्षिक परीक्षा 10 से 15 जनवरी तक ऑनलाइन व ऑफलाइन पद्धति से ली जाएगी, जबकि लिखित परीक्षा विश्वविद्यालय स्तर पर ऑनलाइन पद्धति से 17 से 29 जनवरी तक ली जाएगी। बैठक में ग्रीष्म सत्र की परीक्षाएं ऑफलाइन पद्धति से लेने के बारे में विचार विमर्श किया गया। इस बारे में शीत सत्र परीक्षाओं के अंतिम दौर में घोषणा की जाएगी। उस वक्त कोविड परिस्थिति का विचार कर फैसला किया जाएगा। और अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन बने रहिए आप हमारे साथ। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 डिग्री 3 जॉब अपॉर्चुनिटीज। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटक बैंक, नागपुर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत। इन दिनों समूचे जिले में मौसम का मिजाज बिगड़ गया है। ठंड के दिनों में ठंड गायब है और गर्मी का एहसास हो रहा है। बिना पंखे के एक पल भी रहना मुश्किल हो गया है। उमस की वजह से लोग परेशान हो गए हैं। इसके साथ ही न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हो गई है। ठंड से बचने के लिए निकाले गए गर्म कपड़े भी फिर से अंदर चले गए हैं। मौसम विभाग ने 2-3 दिनों तक इसी तरह का मौसम बने रहे की संभावना व्यक्त की है। सामान्यतः नवंबर मध्य के बाद ठंड बढ़ जाती है, लेकिन इस बार विचित्र स्थिति बनी हुई है। ठंड पूरी तरह से गायब हो गई है। रात के वक्त केवल ठंडी हवाएं ही सहारा बनी हुई है। सुबह से ही धूप लग रही है। उमस की वजह से बिना पंखे एक पल रहना भी मुश्किल हो गया है। शनिवार को सुबह और दोपहर के वक्त कुछ इलाकों में बूंदाबांदी भी हुई। इसी बीच शनिवार को नागपुर शहर का न्यूनतम तापमान 21.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो औसत से 5.8 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। वही अधिकतम तापमान 31.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो औसत से 1.1 डिग्री
अधिक रहा। मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि 23 नवंबर तक नागपुर का मौसम कुछ इसी तरह का बना रहेगा। बदराए मौसम के साथ ही रोज ही हल्की बारिश भी हो सकती है। इस दौरान न्यूनतम तापमान 21 से 22 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेल्सियस के करीब बना रहने की संभावना है। वहीं 24 से 26 नवंबर तक आंशिक बदली यानी धूप छांव का मौसम बना रहने के संकेत विभाग ने दिए हैं। आसमान साफ होने के बाद फिर ठंड के तेजी से बढ़ने की आशंका है। इन दिनों राज्य में हड़ताल का सत्र चल रहा है। एसटी कर्मचारियों की हड़ताल अभी तक खत्म नहीं हुई है। पिछले दिनों मेडिकल कॉलेजों के डॉक्टरों ने भी हड़ताल की थी। नर्सें भी हड़ताल पर जाने वाली थी, बाद में नहीं गई। अब सरकार की खोखला घोषणेबाजी से परेशान विद्यापीठ के कर्मचारियों और अधिकारियों ने भी हड़ताल का निर्णय लिया है। 22 नवंबर को एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल की जाएगी। यदि सरकार द्वारा मांगों को मान्य नहीं किया गया तो फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी जाएगी। इस संबंध में महाराष्ट्र राज्य महाविद्यालयीन व विद्यापीठीय सेवक कृषि समिति के अध्यक्ष प्रवीण गोतमारे ने बताया कि अनेक वर्षों से विविध मांगों पर सरकार द्वारा ध्यान नहीं दिए जाने से नाराज गैर कृषि विश्वविद्यालय और संलग्नित महाविद्यालयों के कर्मचारी अधिकारियों में नाराजगी बढ़ती ही जा रही है। उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग के पास पिछले 3 वर्षों से विविध मांगे प्रलंबित है। बार बार फॉलोअप करने के बाद भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यही वजह है कि कर्मचारियों में नाराजगी का माहौल है। सोमवार को एक दिवसीय हड़ताल की जाएगी। इसके बाद भी मांगों पर गंभीरता नहीं दिखाई गई तो फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी जाएगी। संगठन की प्रमुख मांगों में राज्य वेतन सुधारणा समिति की सिफारिश के अनुसार सेवांतर्गत आश्वासित प्रगति योजना लागू करने, शासकीय कर्मचारियों की तरह ही विश्वविद्यालय कर्मियों को 5 दिन का सप्ताह लागू करने, 796 कर्मचारियों को सुधारित वेतन संरचना हेतु शासन निर्णय जारी करने, 2005 के बाद नियुक्त कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना लागू करने, गोंडवाना विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को नक्सलग्रस्त भाग के शासकीय कर्मचारियों की तरह ही एक स्तर पदोन्नति देने, एडहॉक प्रमोशन वालों को पदोन्नति वाले पद का निवृत्त वेतन देने आदि मांगे की गई है। कोरोना के बाद सामान्य हो रहे हालात के मद्देनजर रेलवे द्वारा एक के बाद एक पैसेंजर गाड़ियां शुरू की जा रही है, लेकिन नागपुर से डोंगरगढ़ जाने के लिए एकमात्र पैसेंजर ट्रेन होने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एकमात्र पैसेंजर ट्रेन होने से इतनी भीड़ होती है कि पैर रखने को जगह नहीं रहती। आखिर रेलवे द्वारा पैसेंजर गाड़ियों को यथावत करने में देरी क्यों की जा रही है, यह समझ से परे है। कोरोना से पहले नागपुर से गोंदिया और डोंगरगढ़ के लिए पैसेंजर गाड़ियां हुआ करती थी। पैसेंजर गाड़ी हर स्टेशन पर रुकती है, इस वजह से वे कामकाजी लोगों को आसानी होती थी। इतवार स्टेशन से सुबह करीब 6 बजे पैसेंजर निकलती थी। यह गाड़ी चक्रधर नगर तक जाती थी। आमगांव तक शासकीय कार्यालयों में काम करने वालों को यह ट्रेन बेहद उपयुक्त थी। वही कॉलेज के छात्रों को भी सुविधा होती थी। मजदूरी का काम करने वाले भी इसका उपयोग करते थे क्योंकि टिकट भी कम थी। बस की टिकट की तुलना में ट्रेन में टिकट कम होने से लोगों को अखरता भी नहीं था। लेकिन कोरोना के बाद सभी गाड़ियां बंद कर दी गई है। वर्तमान में इतवारी से एकमात्र पैसेंजर ट्रेन चलाई जा रही है। यह दोपहर 3 बजे निकलती है। इस ट्रेन में केवल 5 से 6 कोचेस है। यही वजह है कि भीड़ इतनी हो जाती है कि पैर रखने तक की जगह नहीं रहती। लोग जैसे तैसे यात्रा करते हैं। आपको बता दे, जब से एसटी की हड़ताल शुरू हुई है तब से तो हालात देखते ही बनते हैं। आम आदमी की ट्रेन माने जाने वाली पैसेंजर गाड़ियों को रेलवे की ओर से की जा रही देरी समझ से परे है। जब एक्सप्रेस गाड़ियां नियमित रूप से शुरू की जा सकती है तो फिर पैसेंजर गाड़ियों पर ही क्यों रोक लगाई गई है, यह सवाल आम आदमी पूछ रहा है। स्थानीय अपराध शाखा के पथक ने पेट्रोलिंग के दौरान खापरखेड़ा पुलिस थाना अंतर्गत आने वाली वलनी में रेती का अवैध उत्खनन करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर घटनास्थल से एक बिना नंबर की प्लेट की जेसीबी सहित 27,12,000 का माल जब्त किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार स्थानीय अपराध शाखा की टीम खापरखेड़ा विभाग में पेट्रोलिंग कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि वल्ली में रेती का अवैध उत्खनन किया जा रहा है। सूचना के आधार पर टीम ने उक्त घटनास्थल पर छापा मारा तो उस समय बिना नंबर प्लेट की जेसीबी, उसका चालक श्रीकांत भीमराव उके वार्ड क्रमांक 3 वल्ली टिप्पर और लतीफ अंसारी वल्ली निवासी को हिरासत में लिया गया। पुलिस को देखते ही टिप्पर चालक भाग निकला। पुलिस ने टिप्पर में लदी 4 ब्रास रेती भी जब्त कर ली। इस रेती की कीमत करीब 12 लाख रुपए बताई जा रही है। इस कार्रवाई में टिप्पर, जेसीबी
और रेती समेत ऐसे कुल 27,12,000 का माल पुलिस ने जब्त कर एसीबी चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों के खिलाफ खापरखेड़ा पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया। यह कार्रवाई ग्रामीण पुलिस अधीक्षक विजय कुमार मगर के मार्गदर्शन में पुलिस निरीक्षक अनिल जिट्टावार, सपुनी अनिल राउत, हवालदार ज्ञानेश्वर राउत, अरविंद भगत, शैलेश यादव, वीरेंद्र नरड़, चालक साहब राव बहाले ने की। और हिंदी समाचार में फिलहाल इतना ही, लेकिन अन्य खबरों के लिए बने रहिए आप हमारे साथ।